कांगड़ा चंबा के आजाद उम्मीदवार एवं प्रमुख समाज सेवी बच्चन सिंह राणा ने पहाड़ा गांव में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को वोट के अधिकार के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि हमें लोकतंत्र में वोट रूपी महत्वपूर्ण अधिकार मिला है, अतः अपने वोट से काम करने वाले साफ छवि के उम्मीदवारों का चयन करें। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों से कांगड़ा की आवाज़ दब कर रह गई है। कांगड़ा के चुने हुए नुमाइंदे कांगड़ा के लिए कोई भी बड़ी परियोजना केंद्र से लाने में असमर्थ रहे हैं। जो पहले से थी उन्हें अन्य जगह शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा की जनता दोनों दलों की कार्यप्रणाली व झूठे वायदों से त्रस्त है, इसलिए इस बार बदलाव चाहती है। धन्यवाद चौहान जी, आज पाड़ा में बहुत सालों के बाद आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं बचपन में यहाँ खेला करता था, तो आज फिर ये मैंने आजाद उम्मीदवारी कांगड़ा चंबा लोकसभा के लिए अपना दावा पेश किया है। और कांगड़ा आजाद युवा मंच आज यहाँ रोहित पटियाल जो युवा प्रधान है यहाँ के, इनके जरिए जो आज यहाँ मेरा युवाओं के साथ जो वार्तालाप हुआ, थोड़ा गोष्ठी हुई और जो हमारा मतदान, जो हम मतदाता के बारे में हमने जो जागरूकता अभियान किया, जो दोनों पार्टियों से त्रासित हैं, और ये जो इलाका हमारा तीनों विधानसभा पिछड़ा हुआ क्योंकि यहाँ का नेतृत्व नहीं है, कोई नेता नहीं है, तो मुझे पता है कि यहाँ जो बहुत काम है, रोडों की समस्या है, यहाँ जो हमारी फसलें उजाड़ी जाती हैं उसके लिए कुछ भी हमारे पास प्रावधान नहीं है। जो पूरे देश में चल रहा है स्कीम्स, सेंटर की स्कीम्स यहाँ कोई पहुँचती नहीं है क्योंकि जो एमपी फंड आता है एमपी फंड वापिस चला जाता है, तो यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है जो मैं कई सालों से लगातार देख रहा हूँ। तो इसके बारे में यहाँ चर्चा हुई और यहाँ जो हमारे मतदाता हैं वो जागरूक किए, इसके बारे में इन्होंने कई मेरे से प्रश्न उठाए। तो कांगड़ा चंबा में काम नहीं होते इसके लिए भी इन्होंने कहा, तो इसके लिए मैंने जो वक्तव्य दिए हैं मैंने कहा है, तो इसके लिए अभी सभी लोग यहाँ पार्टी से बहुत ही थोड़ा सा पार्टियों से अलग हटकर अभी जो रुझान है कहीं ना कहीं अच्छा आज़ाद कैंडिडेट लाना चाहते हैं जो अपने क्षेत्र के लिए काम करें। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो अपने मतदाता हैं वो जागरूक हुए हैं और पता है कि इन्हें जो पार्टी अभी काम नहीं करती है उसको बिल्कुल, पार्टियों को बिल्कुल नहीं लाना चाहते, उसका विरोध कर रहे हैं। तो आज बड़ा अच्छा लगा पहाड़ा में आकर मैंने जो वक्तव्य दिए और जो मैंने सुना और जो मेरे काम हैं, मैंने एजेंडे हैं, मैंने जनता तक पहुंचाए, इसके लिए मैं पहाड़ा के सब रोहित पटियाल इनकी माता जी को, बहन को और तमाम युवाओं को, यहाँ साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आत्मा।